नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरजेडी एमएलए राजबल्लभ की तलाशी तेज हो गई है। पुलिस विधायक की तलाशी में अलग अलग ठिकानों पर कई जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि आरोपी विधायक अब तक फरार है। अब से थोड़ी देर पहले ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी उस जगह पर पहुंची जहां रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वारदात की जगह की जांच कर रही है और साक्ष्य जुटा रही है। 15 साल की एक नाबालिग लड़की ने नवादा के आरजेडी विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाया। शिकायत के बाद पुलिस ने सबूत जुटाए और विधायक राजबल्लभ यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन पुलिस पहुंचती उससे पहले ही विधायक फरार हो गया। विधायक पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। राजबल्लभ यादव कहां है इस बारे में किसी को अब तक कुछ पता नहीं चल सका। विधायक ने नाबालिग लड़की से किया रेप। लड़की को पोर्न वीडियो दिखाकर रात भर करते रहे रेप। आरजेडी विधायक की शर्मसार करने वाली करतूत। बैठाई रही, उसके बाद बोली कि एक्सर आए सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नीचे ले गई, वो आया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया। अपने साथ बदतमीजी और रेप की आरोप लगाने वाली ये लड़की नाबालिग है। इस लड़की के साथ इसके दोगुने से भी ज्यादा उम्र के एक शख्स ने रेप किया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नवादा से आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव हैं। लड़की के इस आरोप के बाद विधायक राजबल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। विधायक के गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के तमाम छापेमारियों के बाद भी विधायक अब तक फरार हैं और पुलिस के शिकंजे से दूर है। रेप की इस घिनौनी वारदात की हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़के ने आरोप लगाया है कि राजबल्लभ यादव ने अपनी लेडी एजेंट के जरिए इस लड़की को किडनैप करवाया, उसे अपने घर बुलवाया, इसे बंधक बनाया, फिर इसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पहले उस लड़की की बात सुनिए जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। चंद्रपुर वहाँ भी गाड़ी चढ़ी बख्तियारपुर का, तो हम बोले कहाँ लेके जा रहा है, तो बोले कि जा रहा है बख्तियारपुर नानी को रिसीव करना, वहाँ से बर्थडे पार्टी में लेके जाना है। तो बख्तियारपुर से फिर लेके चली गई, रात में लेके गई थी गिरियक, वहाँ पे ले जाके ऊपर दूसरे फ्लोर पे लेके गई थी। उसके बाद फिर बैठाई रही, उसके बाद बोली कि एक्सर आए सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नीचे लेके गई, वो आया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया। आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव की तलाश में पुलिस बीती रात भी छापेमारी करती रही, लेकिन हाथ अब तक खाली हैं। गिरफ्तारी के आदेश के आते ही विधायक अपने घर से भाग निकले। इस मामले के सामने आने के बाद से ही विधायक फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुँच चुकी है और पूरे मामले की जाँच कर रही है। हम आपको इस आरोप की एक एक हकीकत बताएंगे, उसके पहले ये जान लीजिए कि विधायक ने इस रेप की वारदात को किस तरह से अंजाम दिया। पुलिस पूछताछ में पीड़ित लड़की ने जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। लड़की ने पूछताछ में खुलासा किया कि कमरे में ले जाकर महिला और विधायक ने पहले शराब पी और फिर उसे भी जबरन शराब पिलाने की कोशिश की गई। इसके बाद टीवी पर पोर्न वीडियो चलाया गया। विधायक राजबल्लभ यादव उस पोर्न वीडियो की नकल कर उसके साथ रेप करता रहा। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद वो महिला भी टीवी पर चल रहे पोर्न वीडियो की नकल करते हुए उसके साथ लगातार अश्लील हरकतें करती रही। लड़की तड़पती रही, उसे बार बार दुहाई देती रही, छोड़ने की अपील करती रही, लेकिन विधायक राजबल्लभ यादव का दिल नहीं पसीजा। लड़की ने विधायक को उम्र का हवाला दिया, यहाँ तक कहा कि वो उसकी पोती की तरह है, बावजूद इसके घिनौनी वारदात को अंजाम देता रहा। शराब वगैरह के यूज कर रही थी? हाँ, दोनों यूज किए। तुमको भी ज्यादा थी शराब पीने की कोशिश की है? हाँ, तो हमने की है। जब नाबालिग लड़की लगातार रो रही थी तो विधायक ने उसे धमकी दी कि ज्यादा आंसू बहाओगी तो बॉडीगार्ड से रेप करा देंगे। विधायक की हरकतों का जब लड़की ने विरोध करते हुए कमरे से भागने की कोशिश की तो विधायक के बॉडीगार्डों ने लड़की को पकड़कर फिर उसे कमरे में पहुंचा दिया। विधायक लड़की से रेप कर रहा था और उसके घर के बाहर चार दरवान खड़े थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर मासूम पर जुल्म हो रहा था।
दबंग विधायक अपनी दबंगई के बल पर नाबालिग के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे थे, ना उस पर मासूम के रोने का असर था ना तड़पने का। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव बेहद दबंग विधायक माने जाते हैं और इससे पहले भी उन पर रेप का आरोप लगा था, लेकिन मामला रफा दफा हो गया था। पीड़ित लड़की ने जब विधायक पर रेप के आरोप लगाए तो पुलिस सबूतों को खंगालने जुटी, तब कहीं जाकर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। जनता के वोटों से चुने गए विधायक राजबल्लभ यादव पर सत्ता का नशा इस कदर सिर चढ़कर बोला कि रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे बैठे। न डर कानून का रहा, न भय समाज का, और तो और उस जनता का भी डर नहीं दिखा जिसने हजारों वोटों से जिताकर उन्हें विधानसभा में भेजा। पीड़ित लड़की ने विधायक पर जब रेप का आरोप लगाया तो इस आरोप पर सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ। शिकायत करने वाली लड़की जब पुलिस थाने पहुंची तो वहां कानून के रखवालों को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सबूत जुटाए गए तो विधायक की पोल खुल गई और आनंद फानन में गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए। विधायक ने सुलेखा देवी नाम की एक महिला से 30,000 रुपए में लड़की का सौदा किया था। पुलिस सुलेखा देवी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सुलेखा देवी के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लड़की ने जब विधायक पर रेप के आरोप लगाए तो पुलिस सबूतों को खंगालने में जुट गई। पीड़ित लड़की और उसके परिवार से गहन पूछताछ की गई, जिसके बाद आरोपी महिला सुलेखा देवी से भी पूछताछ की गई। उसके बाद महिला और विधायक का कॉल डिटेल खंगाला गया। पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद ही विधायक के नाम का खुलासा किया गया। 9 फरवरी को एक बच्ची ने के बयान पर रेप का केस रजिस्टर हुआ है महिला थाना में, और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो एविडेंस अभी तक सामने आया है, उसमें एक केस अभी तक ट्रू प्रतीत हो रहा है, सत्य प्रतीत हो रहा है। हम लोग इसको सत्य मान के आगे चल रहे हैं और आगे की सारी कार्रवाई उसी आलोक में की जाएगी। बच्ची का स्टेटमेंट लिया गया है एसपी साहब द्वारा, आज मेरे द्वारा भी उसका बयान लिया गया है। बच्ची ने उस मकान को पहचान लिया है आयु के साथ जाकर कि जिस मकान में घटना कारित की गई और जिस व्यक्ति ने घटना कारित की है उसको भी वो पहचान रही है। मन में विस्तृत निर्देश हमारे एसपी को दिए हैं, एसडीपीओ को दिए हैं और आगे कार्रवाई करने के लिए नालंदा पुलिस सक्षम है और आगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित लड़की बिहार शरीफ की रहने वाली है। उसके साथ 6 फरवरी को वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपों के मुताबिक एमएलए राजबल्लभ यादव की एजेंट सुलेखा देवी ने बर्थडे पार्टी के बहाने नाबालिग लड़की को बुलाया, उसे गिरियक ले गई और उसे एमएलए के हाथों बेच दिया। 30,000 में सौदा तय हुआ। रात में ले गई थी वहाँ पे, ले जाके ऊपर दूसरे फ्लोर पे लेके गई थी। उसके बाद फिर बैठाई रही, उसके बाद बोली कि एक सर आए सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नीचे ले गई, उस वो आया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया। ये भी पता चला है कि रेप के समय लड़की का एमएमएस भी बनाया गया और मुंह खोलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये भी कहा गया कि एमएमएस को पब्लिक कर दिया जाएगा। पीड़ित लड़की ने घटना के 2 दिन बाद इसकी शिकायत महिला थाने में करवाई, जिसके बाद पुलिस ने सबूत जुटाने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शिनाख्त के लिए जब लड़की को विधायक की तस्वीर दिखाई तो लड़की तुरंत ही उसे पहचान गई। राजबल्लभ यादव की पहचान एक दबंग नेता के तौर पर रही है। 2015 में ये तीसरी बार विधायक चुने गए। शुरुआत ठेकेदारी से की और फिर पहाड़ उत्खनन के अवैध कारोबार से जुड़े। राजबल्लभ यादव पर इससे पहले भी बलात्कार का आरोप लग चुका है और इसी वजह से उनका टिकट एक बार कट गया था। राजबल्लभ यादव के खिलाफ हत्या और नरसंहार के कई मामले दर्ज हैं। कुछ मामलों में बरी हो चुके हैं लेकिन कई मामले अभी भी लंबित हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजबल्लभ यादव पर रेप के आरोप लगे हैं। 1994 में भी विधायक राजबल्लभ यादव पर बलात्कार के आरोप लगे थे और केस दर्ज करवाया गया था। उस वक्त बोकारो की एक लड़की ने राजबल्लभ यादव पर रेप के आरोप लगाए थे। ये लड़की मैट्रिक की परीक्षा देने नवादा आई थी। इस दौरान विधायक ने उसके साथ जबरदस्ती की। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिली और मामला रफा दफा हो गया था। और संवाददाता पटना से नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जिस तरह से दबंग विधायक की खबरें हम दिखा रहे हैं कि पहले भी इनके ऊपर मामले दर्ज हो चुके हैं, अगर पहले पुलिस ये गंभीरता दिखाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती।
देखिए, राजबल्लभ यादव की पहचान एक दबंग नेता के तौर पर रही है और 1994 में इन पर आरोप लगा था। एक मैट्रिक की परीक्षा देने लड़की आई थी नवादा, उसके खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन बाद में फिर उन्हें जमानत मिल गई, मामला रफा दफा हो गया, उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ गए, फिर जीत गए। तो जो पृष्ठभूमि रही है विधायक की वो आपराधिक रही है और उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन इस मामले के बाद एक बार फिर से पूरे महागठबंधन के लिए एक एम्बैरेसमेंट की स्थिति आ गई है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा ट्रेन में लड़की के साथ छेड़खानी की बात आई जेडी विधायक की तरफ से, और इन पूरे घटनाक्रम के बाद अब बीजेपी ने एक तरह से भी हमला बोल दिया है और एनडीए के तमाम नेता अभी थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे हैं, एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है एनडीए का और राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। नीतीश, और किस तरह से नीतीश सरकार के खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, इस बारे में भी आपसे हम अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता मंगल पांडे संबोधित कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, जा रही है लोकतंत्र पर हमला, और जिस तरह पूरे राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है, कानून का राज ध्वस्त हो चुका है, कहीं पर कानून दिख नहीं रहा है, आम जनता में भय आतंक का माहौल, इन सारे सवालों को लेकर और एनडीए के जो हमारे नेताओं की हत्याएं हो रही जाकर के पूरे राज्य में अपराध बढ़ रहा है, ये सारे सवालों को लेकर हम लोग महामहिम राज्यपाल जी का ध्यान खींच कर आया है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और महामहिम राष्ट्रपति जी को अवगत कराइए बिहार की घटनाओं से, केंद्र सरकार को अवगत कराइए और आगे आने वाले समय में कैसे बिहार में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का काम करें। तो राज्यपाल से मिलने के बाद प्रेम चौधरी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं और बहुत से बिंदुओं को उजागर करते हुए एक मेमोरेंडम दिया है। महामहिम राज्यपाल हम लोगों की बात बहुत गंभीरता से सुनने का काम किया है और उन्होंने कहा कि विधि संबद्ध संवैधानिक जो भी कार्रवाई इस पर होगी हम लोग करेंगे। रही बात की हम लोगों ने बात उठाई है, जैसा कि मंगल पांडे जी ने कहा और प्रेम बाबू ने कहा, हम ये कहना चाहते हैं कि गलतियां हो सकती है किसी से, लेकिन गलती को एहसास नहीं करना ये बताता है कि साहब हम लोग निरंकुशता की ओर जा रहे हैं और ये महसूस करने को तैयार नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। आप चाहे ब्रजनाथी सिंह की हत्या का मामला हो या ओझा जी का हत्या का मामला हो, ये अलग बात है। उसके अलावे आप देखिए, कम से कम 3-4 विधायक ऐसे हैं जिनके कारनामा से बिहार शर्मसार हो रहा है। आज लड़कियों के साथ शारीरिक शोषण करना और उनकी हत्या करना भी एक आम बात हो गई है। महिला सुरक्षित नहीं है, शेड्यूल कास्ट सुरक्षित नहीं है, बता